परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से हमारे जीवन के ऊपर प्रभु ने ऐसा सुअवसर प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, उन बातों को समझने जा रहे हैं जिन बातों को परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर लिखवाया है, और ऐसी बातें जिनको शायद हमने आज तक उस प्रकार से नहीं समझा है उनको अब हम समझने और जानने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले कुछ वचन हैं जिनको हम बाइबल में से पढ़ लेते हैं और वहीं से ही हम अपने अध्ययन की बुनियाद को डाल देते हैं। तो व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 15 से लेकर 19 पद मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। व्यवस्था विवरण यानी कि ड्यूट्रोनॉमी उसका 28 चैप्टर की 15 से लेकर यानी 15-19 वर्सेस मैं आपके सामने इस समय पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मूसा ने 3500 साल पहले परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अंदर बहुत सारी बातों को बोला था। कुछ वचनों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इन्हीं वचनों के अंदर जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को आप समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। मूसा ने इन वचनों के अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमको यहाँ पर समझाने का और बताने का प्रयास किया है। मूसा यहाँ पर जो बात बोल रहा है, हमने बीता अध्ययन जो किया था उस अध्ययन में हमने देखा था कि मूसा ने आशीषों के बारे में इसराइलियों को बताया था और मूसा ने इस बात को कहा था कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलोगे, उसकी बातों को तुम मानोगे तो परमेश्वर तुमको ये और ये सारी आशीषें देगा, तुमको मटीरियल ब्लेसिंग देगा, तुमको हेल्थ की ब्लेसिंग देगा, तुमको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग परमेश्वर देगा। मूसा ने इस बात को बताया था और व्यवस्था विवरण के अंदर ही हमने इस बात को पढ़ा था। मूसा इस बात को कहता है कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू धन्य है नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती। हमने इन सब बातों को देखा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मूसा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे सामने रख रहा है। मूसा इस बात को यहाँ पर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना सुने, उसने जो अपने वचन के अंदर बताया है, जो आज्ञाएं दी हैं, उसको यदि तू ना सुने और उनको यदि उनका पालन ना करे तो क्या होगा, क्या होगा, जितनी भी आशीषों के बारे में परमेश्वर ने बताया है वो सारी आशीषें उल्टी पड़ जाएंगी और तेरे लिए श्राप बन जाएंगी। यानी जब परमेश्वर कहता है धन्य हो तू नगर में, तो मूसा ने कहा उस समय तू धन्य नहीं होगा लेकिन उस समय तू श्रापित हो जाएगा नगर में। हमने इस बात को देखा था बीते अध्ययन के अंदर जब हमने आशीषों के ऊपर अध्ययन किया था, हमने इस बात को देखा था कि मूसा ने कहा धन्य हो तू नगर में, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि धन्य हो तू नगर में। इसके लिए यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी नगर में, किसी शहर में, किसी सिटी में रहता है तो जब वो नगर के अंदर घूम रहा होता है तो कई प्रकार की दुर्घटनाएं, कई प्रकार के एक्सीडेंट्स होने का खतरा बना रहता है। आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई कुत्ता सामने आ गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप किसी चीज से टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपकी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ सामान ऊपर से आके आपके ऊपर गिर गया, तो नगर के अंदर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मूसा ने कहा था यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा तो परमेश्वर नगर में पड़ने वाली इन दुर्घटनाओं से तुझको बचाएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, यदि तू परमेश्वर की नहीं सुनेगा, तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, परमेश्वर का वो डिवाइन प्रोटेक्शन तेरे ऊपर से हट जाएगा और इस समय क्या होगा, श्रापित हो तू नगर में। यानी तू कहीं पर भी जाएगा तो तू बिल्कुल
एक इजी विक्टिम होगा एक्सीडेंट होने का, तेरे साथ कोई भी दुर्घटना नगर के अंदर हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन तेरे पास नहीं होगा। यानी जो आशीष परमेश्वर देता है वो आशीष दूसरों को तो मिलेगी क्योंकि वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर की सुन रहे हैं, तुझको नहीं मिल पाएगी क्योंकि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। उसके बाद मूसा कहता है श्रापित हो तू खेत में। हमने देखा था मूसा ने इस बात को कहा था कि धन्य हो तू खेत में, जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, उसकी सुनेगा, तो तू खेत में धन्य होगा। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहूदी ज्ञानी इस बात को कहते हैं कि खेत का मतलब होता है वो जगह जहां पर इंसान काम करता है। वो जगह जो है, आपका खेत जो है आपका ऑफिस हो सकता है, आपकी वर्क फील्ड हो सकती है, आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, उसको यहाँ पर खेत बोला है, जहां पर आप मेहनत करते हैं अपने काम के लिए, रोजी रोटी के लिए आप मेहनत करते हैं। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो जहां पर आप काम करेंगे वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी, आपको वहां पर काम करने में खुशी मिलेगी, आपको वहां पर काम करने में प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो मूसा कहता है सब कुछ उल्टा हो जाएगा। श्रापित हो तू खेत में। श्रापित हो तू खेत में का मतलब है कि ना तो प्रमोशन मिलेगा, ना आप सैलरी से खुश रहेंगे, आपके काम के ऊपर आशीष नहीं रहेगी और आप उस जगह पे परेशान ही रहेंगे। वहां के लोगों के बीच में काम करते हुए, अपने कलीग्स के बीच में काम करते हुए आप परेशान ही रहेंगे। आप कहेंगे ये नौकरी अच्छी नहीं है, मुझको कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी है। दूसरी नौकरी मिलेगी, आप कहेंगे नहीं ये भी सही नहीं है, मुझको तीसरी ढूंढनी है। आप एक जगह पे संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर की ना सुने, उसकी आज्ञाओं का पालन ना करे, तो क्या होगा, तेरे काम के ऊपर आशीष नहीं रहेगी, तुझको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, तेरी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, तेरी सैलरी के ऊपर आशीष भी नहीं रहेगी। यहां पर मूसा ने इस बात को बताया, यानी वो सारी बातें जो आशीष की हैं तेरे लिए उल्टी पड़ जाएंगी। और ऐसा लोगों के जीवन में आज होता ही होता है। साथ ही मूसा यहां पर कहता है श्रापित हो तेरी टोकरी। मैंने आपको बीते समय बताया था जब हमने आशीषों पर अध्ययन किया था कि टोकरी के अंदर फलों को जमा किया जाता है। यहां पर टोकरी का मतलब है आपकी सेविंग्स, आप जो बचा करके रखते हैं। अगर आप परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं तो मूसा कहता है धन्य हो तेरी टोकरी। जो भी सेविंग्स आप करते हैं, FDs करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ब्लेसिड है। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आप नहीं चल रहे हैं, उसकी नहीं मान रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग जो है, वो सेविंग्स जो है, उनके ऊपर भी श्राप आ जाएगा और आपको किसी न किसी तरीके से, चाहे बीमारी हो गई, FDs तोड़वाने पड़ी, कोई घर में बीमार हो गया, आपकी सारी सेविंग्स लग गई, कुछ भी दुर्घटना हो गई, वो सारी सेविंग्स जो है वो चली जाएंगी। आपने अपनी मेहनत का फल जो जमा किया हुआ है वो आपके पास से चला जाएगा। मूसा ने इस बात को बताया है। उसके आगे मूसा कहता है श्रापित हो तेरी कठौती। और मैंने बीते समय आपको ये बात बताई थी कि कठौती का मतलब होता है नीडिंग बोल। नीडिंग बोल का मतलब होता है वो थाली या वो बर्तन जिसके अंदर आटा गूंदा जाता है। और मैंने आपको इस बात को भी बताया था कि बाइबल में इस बात को लिखा है कि जब परमेश्वर किसी को भी दंड देता है तो वो भोजन के द्वारा दंड देता है। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं तो मूसा कहता है धन्य हो तेरी कठौती, यानी जो कुछ भी तू खाएगा वो ब्लेसिंग के तौर पर तेरे ऊपर लगेगी। लेकिन मूसा कहता है यदि तू परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलेगा तो जो कुछ भी तू खाएगा वो तेरी हेल्थ के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और ये बात बाइबल में लिखी हुई है कि उनका भोजन उनके लिए फंदा और जाल और दंड का कारण बन जाए, उनका पेट के अंदर उनका भोजन जो है वो विष बन जाए, उनके पेट के अंदर उनका भोजन जो है वो पलट जाए। ये सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वास्तव में मूसा यहां पर क्या बात हमको बताने का प्रयास कर रहा था। आगे लिखा हुआ है श्रापित हो तेरी संतान। पहले मूसा कहता है धन्य हो तेरी संतान, अगर तू परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है तो धन्य हो तेरी संतान। लेकिन अगर तू
परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहा है तो तेरी संतानों पर, तेरे बच्चों के ऊपर श्राप आ जाएगा, तेरे बच्चे जो हैं वो गलत रास्तों के ऊपर चले जाएंगे, तेरे बच्चों का कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा, उनका फ्यूचर अंधकार में रहेगा, क्योंकि जो काम तू कर रहा है उसका दंड तेरे बच्चों को भी उठाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने एक तरफ जब आशीषों के बारे में बताया कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुमको किस प्रकार से ब्लेस करूंगा, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो जो बातें तुम्हारी ब्लेसिंग की हैं वही बातें तुम्हारे श्राप का कारण बन जाएंगी। परमेश्वर ने इस बात को मूसा के द्वारा इसराइलियों को बताया था, और ये बातें मूसा आज 3500 साल के बाद हमको भी हमारे घरों में बैठ करके समझा रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात क्या है, क्यों मैंने बार बार इस बात को आपको कहा कि आज का ये अध्ययन जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने सिर्फ अभी आपके सामने कुछ चंद उदाहरणों को रखा है, मैंने तो अभी तक अपने संदेश को शुरू भी नहीं किया है। यहां पर मूसा क्या बताता है, मूसा यहां पर बताता है कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो परमेश्वर का श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा, शैतान का, दुष्ट आत्माओं का श्राप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा लेकिन परमेश्वर का श्राप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। यह बात मूसा ने यहां पर बताई है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन के अंदर कई सारी बातें ऐसी घटित होती है जो सीधे तौर पर बताती हैं कि ये परमेश्वर का दंड है जो हमारे जीवनों के ऊपर आया हुआ है, लेकिन हम उसका क्रेडिट जो है वो शैतान को देने का प्रयास करते हैं, और हम इस बात को कहते हैं कि शैतान हमारे पीछे पड़ा है, ये तो दुष्ट आत्माओं का काम है, लेकिन हम कभी भी उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं जो रूट कॉज होता है कि परमेश्वर का दंड भी लोगों के जीवन के ऊपर आ जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को सबसे पहले दंड देता है, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो अब मूसा ने 28 अध्याय के अंदर जो जो बातें बताई हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि मूसा आखिर क्या बात हमको बताने का प्रयास कर रहा था। यहां पर मूसा ने कई सारे श्रापों के बारे में हमको बताया है, कई सारी बातों को मूसा ने यहां पर हमारे सामने रखा है, और मूसा इस बात को कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध चलते ही चले जाओगे तो परमेश्वर तुमको अलग अलग प्रकार के श्रापों के द्वारा दंडित करेगा, और ये श्राप आज भी लोगों के जीवन के अंदर पाए जाते हैं, आते हैं परमेश्वर के दंड के रूप में, लेकिन लोग इन सब बातों को नहीं समझ पाते। तो हम कैसे पहचाने उन श्रापों को जिनके बारे में मूसा ने व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय के अंदर लिखा है, उसको अब हम जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर इन सारी बातों के बाद मूसा पहले श्राप के बारे में बताता है। ये तो वो श्राप थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया जो आशीषों को उलट देंगे, यानी आशीष पलटा खा जाएंगी, लेकिन अब मूसा कुछ स्पेसिफिक बातें बताता है जिनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि लोग कहां पर किस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं और उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 20वें वचन में मूसा ने एक अजीब प्रकार के श्राप के बारे में बताया है जिसको कहते हैं कामों में असफलता। सारे कामों के अंदर व्यक्ति को असफलता मिलती है यदि तू अपने परमेश्वर की ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों को पालने में तू सतर्क नहीं रहेगा, उनका पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, तेरे कामों के अंदर तुझको सफलता नहीं मिलेगी। यहां पर मूसा ने क्या कहा है, ड्यूट्रोनॉमी 28:20 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर मूसा कहता है, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन में दी हुई आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति
जो जानता है वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसके बावजूद वो वचन की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है तो क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर को त्याग करके वो दुष्ट काम करने लगेगा, वो काम जिनके लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम ऐसा ना करना। उदाहरण के तौर पर मसीही लोग जो हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं या स्पेशली जब उनको पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाता है तो वो तुरंत बाबाओं के पास भागते हैं और बाबाओं के पास जाकर के बाबाओं के पास से चूर्ण लेकर के आते हैं, केला लेकर के आते हैं, बाबाओं के पास से दवाएं लेकर के आते हैं और उनको खाते हैं और कहते हैं कि बाबा का केला खाने से या बाबा का चूर्ण खाने से या बाबा की जो भस्म है वो दे खाने से उनका पीलिया यानी जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। बाइबल में लिखा है तुम कभी भी ऐसे लोगों के पास मत जाना जो जादू टोना करते हैं, विचक्राफ्ट जो लोग करते हैं, जो लोग ऑकल्ट में है वहां पर मत जाना वरना परमेश्वर का भयानक दंड तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद मसीही लोग जो है वो ऐसा काम करते हैं। कई सारे मसीही लोग जो है वो ताबीज बांधते हैं, कई सारे मसीही लोग अपने पैर के अंदर काले धागे बांधते हैं, कई सारे मसीही लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें अपने घरों के अंदर रखते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी श्रापित वस्तु तुम अपने घर के अंदर मत ले आना वरना तू भी उस श्रापित वस्तु के समान ही नष्ट हो जाने वाली वस्तु बन जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ढीठपन जो होता है वो मसीही लोग दिखाते हैं और ऐसे सामानों को अपने घर में लेकर के आते हैं, चाहे उनको कितना ही समझाया जाए उनको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। यहां पे लिखा है तू यहोवा को त्याग कर जब दुष्ट काम करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि ऐसा ना करना, वही काम जब तू करेगा तो तेरे हाथों के कामों के ऊपर श्राप आएगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम असफल हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। जिस काम में अगर कोई बिजनेस खोला, चाहे कितनी भी अच्छी जगह के ऊपर बिजनेस खोला हो, वो बिजनेस उस जगह पे चलना ही चलना चाहिए लेकिन उसके बावजूद वो बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा। अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो वहां पर तेरी नौकरी नहीं लग पाएगी, बिजनेस के अंदर असफलता मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया, आपके पास पैसे हैं, आप पैसे वाले हैं और आपने किसी को पैसा दिया उसकी मदद करने के लिए, तो जो पैसा दिया गया है वो दूसरे के लिए श्रापित बन जाएगा। यानी कि वो पैसा जो है, जो पैसा एक व्यक्ति दूसरे को देगा, ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट काम करता है, जादू टोना करता है या और जो आज्ञाएं वचन के अंदर लिखी हुई हैं उनका पालन नहीं करता है, वो अगर किसी दूसरे की मदद भी करेगा तो मदद के लिए दिया गया जो पैसा होता है वो दूसरे के लिए श्राप का कारण बन जाएगा। सारी योजनाएं जो भविष्य के लिए बनाई जाएंगी वो सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाएंगी। यहां पे लिखा है परमेश्वर तुझे धमकी देता रहेगा, परमेश्वर तुझे डराता रहेगा, परमेश्वर तुझको निरंतर श्राप देता रहेगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की बात को टाल करके दुष्ट काम करना जब शुरू कर देगा तो तेरे हाथों के कामों के ऊपर परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं देगा। हाथों के कामों के ऊपर जब ब्लेसिंग होती है, चाहे वो काम बिगड़ा हुआ ही क्यों ना हो, अगर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से आशीष पाया है अगर उसके हाथों के अंदर उस काम को दे दिया जाए तो वो बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है, ब्लेसेड हो जाता है। उदाहरण के रूप में अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, सारा जो थी बाइबल में लिखा है वो बांझ थी, यानी कि उसके संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, इतने साल बीत चुके थे। लेकिन सारा जो थी वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाई हुई थी, हालांकि वो संतान रहित थी, वो बांझ थी, अगर संसारिक भाषा में बोला जाए तो वो बांझ थी, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर से आशीष पाई हुई थी। और जो यहूदियों के जो टेक्स्ट हैं वो इस बात को बताते हैं, मिद्राश है, तारगुम है और जो मिशना है वो इस बात को बताती, ये टेक्स्ट जो है इस बात को बताते हैं कि जब इब्राहिम और सारा और इनका साथ के सारे लोग जब कनान देश में रहते थे तो इब्राहिम के कुछ दोस्त थे कनान देश के अंदर, हित्ती जाति के लोग थे जो अब्राहम के दोस्त थे। हम देखते हैं मकपेला वाली गुफा जब अब्राहम खरीदने जाता है तो वो एक मित्र की तरह उनसे बातचीत करता है।
तो हित्ती जाति के लोग, काफी सारे लोग जो थे वो अब्राहम के मित्र थे। और टेक्स्ट बताता है यहूदियों का कि जब भी उन हित्ती जाति के लोगों में उसके मित्रों के अगर संतान होती थी, और अब्राहम और सारा जब अपने मित्रों से मिलने जाते थे, उनको बधाई देने जाते थे कनान देश के अंदर, तो हालांकि सारा के खुद के संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो आशीष पाई हुई थी। जैसे ही सारा उन बच्चों को, हित्ती बच्चों को जिनका जन्म अभी अभी हुआ होता था, जैसे ही सारा उनको अपने हाथ में ले लिया करती थी, जो इस टेक्स्ट बताता है, उन बच्चों के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग उतर जाया करती थी और बड़े होकर के वो बच्चे परमेश्वर के दास बन जाया करते थे, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन जाया करते थे। तो ये होता है उस व्यक्ति का हाल जो परमेश्वर की ओर से आशीष पाया होता है, उसके हाथों के कामों के ऊपर आशीष रहती है, लेकिन जो परमेश्वर के विरुद्ध चलता है उसके हाथों के कामों के ऊपर परमेश्वर का श्राप रहता है। जिस अच्छे काम को भी वो हाथ लगाएगा वो काम जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जो भी योजना फ्यूचर के लिए वो बनाएगा, ऐसा लगेगा कि जिस जगह के ऊपर हाथ रख देता है वहां पे खड्डा हो जाता है, वहां पर गहरे से भी गहरा खड्डा हो जाता है। तो यहां पर पहली बात मूसा ने बताई है, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, आप कोई योजना बनाते हैं, वो योजना पूरी होते 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 बिल्कुल पूरी होते होते अटक जाती है। आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपका लोन बस सैंक्शन होने वाला है, बस सैंक्शन हो चुका है, लेकिन आपको पता चलेगा कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो गया और वो लोन जो है वो कैंसिल हो जाता है। आपका हाउस लोन ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। आपके काम बनते बनते अगर बिगड़ जाते हैं, तो यहां पर मूसा सचेत करता है कि परमेश्वर तुमको धमकी देगा, परमेश्वर तुमको डराएगा, परमेश्वर तुमको निरंतर श्राप देगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर को छोड़ करके दुष्ट काम करने में लगा हुआ है। बाइबल में वो नियम पाया जाता है, बाइबल इस बात को बार बार बताती है कि जो तुम्हारे आत्मिक जीवन की दशा होगी वही दशा तुम्हारे फाइनेंस की और वही दशा तुम्हारे भौतिक जीवन की परमेश्वर बना करके रख देगा। जब जब इज़राइल का आत्मिक जीवन फ्लरिश होता था, इज़राइल के अंदर बारिश होती थी, ओस पड़ती थी, फसलें होती थी, फल होते थे, लेकिन जब जब इज़राइल बाल देवता की उपासना करता था, मोलेक की, अशेरा की उपासना करने में लग जाया करता था, जो दशा उनके आत्मिक जीवन की होती थी वही दशा उनके देश की जमीन की हो जाया करती थी। जमीन बंजर हो जाती थी, बारिश होना बंद हो जाती थी, साथ ही साथ ओस गिरना बंद हो जाया करती थी और अकाल पड़ जाया करता था। तो बाइबल स्पेसिफिकली इस बात को बताती है कि जो आपके आत्मिक जीवन की दशा होगी वही आपके फाइनेंस की और वही आपके भौतिक जीवन की दशा होगी। तो अगर आज आपके साथ ऐसा हो रहा है जैसा मूसा ने बताया है, तो आपको सचेत और गंभीर हो जाना है और अपने जीवन के ऊपर आपको सोचना है, एनालाइज करना है अपने जीवन को कि आपके आत्मिक जीवन की दशा क्या है और कहीं इस वजह से ही ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है। उसके बाद मूसा यहां पर एक और बात कहता है, जैसे और जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और कोई तेरा छुड़ाने वाला ना होगा। यानी कि तेरे ऊपर अंधेर होता ही रहेगा, तू परेशान ही रहेगा, तू लुटता ही रहेगा, तेरे काम सफल होंगे ही नहीं। मूसा ने इस बात को कहा है, तू चाहे कितने भी प्रयास कर ले, जब तक कि तू उस लीख पर वापस नहीं आ जाता है जिसके लिए लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मेरी सारी विधियों को मानोगे तो मैं तुमको ब्लेस करूंगा। ये परमेश्वर की शर्त है। अब कोई भी प्रचारक, कोई भी मसीह प्रचारक अगर कहता है कि ये दो शर्तों के अलावा परमेश्वर आपको आशीष देगा तो वो झूठ बोल रहा है। ये परमेश्वर के मौलिक नियम नहीं है। लोगों का जीवन पाप के अंदर डूबा हुआ है, पाप की दलदल में, गंदगी में फंसा हुआ है और मसीह प्रचारक कहते हैं कि अगर आप दसवां अंश दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा।
अगर आप हमारी सेवकाई के लिए बीज बोओगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको आशीष मिल ही नहीं सकती है। आप अपना पूरा घर भी अगर दे दे दान में तो भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहां पर लिखा है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से और उनका पालन करने से ही आपको आशीष मिलेगी। अगर आप दान दे भी रहे तो भी आपका जीवन योग्य होना चाहिए। यीशु ने कहा जिस किसी घर में तुम जाओ तो वहां पर जाकर के कहना कल्याण हो। यदि उस घर के रहने वाले योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उतरेगा, वरना तुम्हारा कल्याण नहीं उतरेगा। आपका जीवन आशीष पाने के योग्य होना चाहिए। यह बात बाइबल के अंदर लिखी हुई। दूसरी बात, हमने पहले अध्ययन के अंदर देखा था परमेश्वर कहता है मैं तुमको अच्छी हेल्थ दूंगा, लेकिन अब मूसा क्या कहता है? मूसा कहता है तुम परमेश्वर के विरुद्ध चलोगे तो तुम्हारे ऊपर बीमारी का श्राप आ जाएगा, ऐसी बीमारियां जिनसे तुम भय खाते हो। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 21 और 22 वचन को और 27 और 28 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। ड्यूट्रोनॉमी 28:21-22 और 27 और 28 आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर मूसा ने क्या बातें बताई, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको कौन कौन सी बीमारियों से मारेगा, कौन कौन सी बीमारियां लगाएगा यहोवा तुझको, यहां पर बहुत गंभीर बात बताई जा रही है, आप ध्यान से सुने। यहोवा तुझको क्षय रोग से, क्षय रोग यानी टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से, और ज्वर और दाद और बड़ी जलन से और तलवार से और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यनाश ना हो जाए। यहां पर पहली बात मूसा ने कही। फिर आगे मूसा क्या कहता है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो पाएगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। यहां पर कुछ ऐसी बात बताई हुई है, और ये ही वो रीजन है, मैंने आपको कहा कि ये बातें मुझको 2003-2004 में ही पता थी, लेकिन मैंने 20 सालों से कभी भी इस विषय पे प्रचार नहीं किया। उसका मेन कारण ये है जो वर्सेस मैंने आपके सामने पढ़ी है, क्योंकि ये वर्सेस को पढ़ने लोग सुनने के बाद, जानने के बाद, लोग जो हैं वो नेगेटिव रिएक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जब परमेश्वर का दंड आता है तो किन किन बीमारियों के रूप में आता है, यहां पे साफ तौर से बताया हुआ है। यहां पर एक ऐसे बुखार के बारे में बताया हुआ है, ज्वर के बारे में तो बताया ही है, लेकिन बड़ी जलन के बारे में भी बताया है। बड़ी जलन यानी कि एक अजीब प्रकार का बुखार, एक ऐसा बुखार जिसमें थर्मामीटर भी फट जाता है, ऐसा बुखार जो डॉक्टरों को समझ में नहीं आता है, ऐसे बुखार से भी तुझको दंडित करेगा परमेश्वर अगर तू उसके खिलाफ जाएगा। मैंने पादरे पियो जो कि कैथलिक सेंट हैं, कैथलिक संत हैं एक, उनके बारे में बीते समय आपको बताया था। पादरे पियो के बारे में बताया जाता है कि उनको ऐसा बुखार हुआ करता था कि थर्मामीटर जो है वो फट जाया करता, इस प्रकार का बुखार उनको हुआ करता था। वो एक डिमोनिक फीवर होता है जो पादरे पियो के ऊपर चढ़ा करता था, और डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे कि इतना टेम्परेचर कैसे किसी इंसान का हो सकता है, और कैसे इतना टेम्परेचर होने के बाद कोई इंसान जिंदा रह सकता है। पादरे पियो को ऐसा बुखार हुआ करता था। यहाँ पर उसी बुखार के बारे में बताया गया है, ज्वर तो होगा ही होगा, एक बड़ी जलन भी होगी, बहुत भयानक बुखार होगा जिसको कोई समझ नहीं सकेगा। साथ ही यहां पर एक अजीब बात भी परमेश्वर ने बताई है, मूसा ने बताई है, कि परमेश्वर ने इन बीमारियों की और इन श्रापों की सूची में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को भी रखा है। अब परमेश्वर ने इसको क्यों रखा है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता है मिस्र के से फोड़े मैं तुमको लगा दूंगा। मिस्र के से फोड़े, जो फोड़े शब्द बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि राजा हिजकिया को ऐसा रोग हो गया कि वो मरने पर था और उसको एक फोड़ा हो गया था,
और यशाया आया, यशाया ने कहा अंजीर की टिकिया इसके फोड़े पर लगाई जाए और वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। बाइबल स्कॉलर्स और यहूदी रब्बी बताते हैं कि हिजकिया को एक प्रकार का कैंसर हो गया था, और अंजीर लगाने की आज्ञा जो यशाया ने दी थी परमेश्वर की ओर से, अंजीर के अंदर एंटी कैंसर एलिमेंट्स होते हैं जो कैंसर को मारते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने वो इलाज जो था वो हिजकिया यशाया के द्वारा हिजकिया को बताया था। तो फोड़ा शब्द जो बाइबल के अंदर इस्तेमाल होता है उसका मतलब कैंसर होता है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 16वें अध्याय में कि अंत के दिनों में लोगों को फोड़े हो जाएंगे, यानी कैंसर हो जाएंगे। और आज हम देखते हैं कि ये कैंसर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी और सबसे भयानक बीमारी के रूप में आज फैलता ही चला जा रहा है। तो परमेश्वर तुझको मिस्र कैसे फोड़ों से दंडित करेगा, यानी कैंसर से दंडित करेगा, क्योंकि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुन रहा है, तू दुष्ट काम करने के अंदर लग गया है, तो परमेश्वर तुझको दंडित करेगा। यहां पर शैतान का कोई भी रोल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पे सीधा परमेश्वर अपने लोगों से इंटरैक्ट करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद लिखा है बवरसीर यानी कि पाइल्स से तुझको दंडित करेगा, दाद और खुजली से, मेंटल डिसऑर्डर से तुझको दंडित करेगा। कितने लोग, कितने परिवारों के अंदर लोग जो हैं वो आज मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो रखे हैं, पागलपन उनके ऊपर आया हुआ है। वो मसीही हैं, जन्म के मसीही हैं कई कई जगहों के ऊपर, लेकिन उनके घरों के अंदर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग इस समय अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं जो मुझको देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, और वो अपने मनों के अंदर जान रहे हैं इस बात को कि जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि वो अपने जीवन को एनालाइज कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। अबॉर्शन करे हैं उन्होंने, उन्होंने एक नवजात बच्चे को जो गर्भ में था उसका अबॉर्शन करके उसको मारा है। उन्होंने क्या क्या पाप नहीं करे हैं, किस प्रकार के व्यभिचार करे हैं, कैसे उन्होंने पुरुष गमन किया है, कैसे उन्होंने जो लेस्बियनिज्म है उसके अंदर वो लोग लगे हुए, उनके जीवन कैसे हैं, कैसे वो जादू टोना करने वालों के पास जाकर उन्होंने किया, कुछ नहीं किया है, आत्माओं से कैसे वो पूछने के लिए गए कि किसी आत्मा, किसी व्यक्ति में जो आत्मा आती है उससे पूछ करके आए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समृद्धि कब आएगी। आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़ करके जब दुष्ट काम करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुझको अपने लिए चुना है, तेरे बच्चों को मैंने अपने लिए जन्माया है, तेरे बच्चे जो हैं वो मेरे हैं, लेकिन उसके बावजूद तू दुष्ट काम करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा। यहां पे लिखा है मैं तुझको दंड दूंगा, पाइल्स के द्वारा दंड दूंगा, मैं तुझको खुजली के द्वारा दंड दूंगा, दांत के द्वारा, टीबी के द्वारा, कैंसर के द्वारा मैं दंड दूंगा, मेंटल डिसऑर्डर, पागल हो गए, पागलपन आ गया घर के अंदर। और एक और बात, भयानक बात लिखी है, मैं ब्लाइंडनेस के द्वारा दंड दूंगा। यहां पे लिखा है यहोवा तुझको अंधा कर देगा। जब एक व्यक्ति को बीमारियां होती हैं तो कभी कभी बीमारियों का जो प्रभाव होता है वो लोगों की आंखों के ऊपर आ जाता है, खास तौर से ज्यादातर जो डायबिटीज होती है, सीवियर डायबिटीज जो होती है उसका प्रभाव हमेशा आंखों के ऊपर आता है, अंधापन आ जाता है। और एक बात, एक वचन में पढ़ता हूं उसके बाद आपको एक बात बताता हूं। ड्यूट्रोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, इसी 28वें अध्याय का 59 से 62 वर्सेस आपके सामने पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। अगर आपके पास घर में बाइबल है तो आप खुद भी मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें, यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो यहोवा तुझको, तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, अनोखे अनोखे दंड आएंगे, ऐसे ऐसी बीमारियां जो है ही नहीं, जिनका नाम ही नहीं सुना कभी, अनोखे अनोखे दंड आएंगे। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, बहुत ही भयानक दंड होंगे, बहुत ही भयानक बीमारियां होंगी, ऐसी बीमारियां जिनके बारे में कभी सुना नहीं, जिनके जो रेयरली होती है दुनिया में, बहुत कम होती है लोगों को, ऐसे दंड मैं दूंगा। आगे लिखा है 60th वर्स में, 60वें वचन में लिखा है,
और वह मिस्र के उन सब रोगों को तेरे ऊपर लगा देगा। मिस्र के अंदर जब तुम रहते थे वहां पर जितनी भी बीमारियां फैली हुई थी वो सारे रोग मैं तुझको लगा दूंगा जिनसे तू बह खाता था और वे तुझे लगे रहेंगे। एक किताब है जिसका नाम है नन ऑफ दीज डिजीजेस, और वो किताब जो है वो मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई है। परमेश्वर ने कहा था इनमें से कोई बीमारी मैं तुझ पर नहीं आने दूंगा, नन ऑफ दीज डिजीजेस। तो जो डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड स्टर्न और दूसरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने उस किताब को लिखा है और उस किताब के अंदर बताया है कि मिस्र के अंदर मिस्रियों को कौन कौन सी बीमारियां हुआ करती थी। और वो बताते हैं कि मिस्र के अंदर लोगों को कैंसर हुआ करता था, डायबिटीज हुआ करती थी, अर्थराइटिस हुआ करती थी, हाई बीपी हुआ करता था, और वो बताते हैं पाइल्स और बवासीर हुआ करती थी, खुजली भयानक वाली एक्जिमा जो होता है वो हुआ करता था, टीबी हुआ करती थी भयानक वाली, और इनसे इजरायली जो है वो बहुत ही ज्यादा डरा करते थे, बहुत ही ज्यादा भय खाया करते थे। यहां पे लिखा है कि जिन बीमारियों से तू भय खाता है जो कि मिस्र देश में फैली हुई थी, मिस्रियों को लगी हुई थी, वो सारी बीमारियां तुझको लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के खिलाफ जाएगा, तू दुष्ट काम करेगा जिसकी आज्ञा यहोवा ने दी है कि तू ऐसा ना करना। जब तू सीमा लांघ करके उस काम को करेगा परमेश्वर उन सारी बीमारियों को तुझको लगा देगा, तू उसी के अंदर फंसा रह जाएगा। 61वें वचन में लिखा है और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था के पुस्तक में नहीं लिखे हैं, जो बातें मूसा ने लिखी भी नहीं है, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। जिन बातों को मूसा ने नहीं लिखा, स्पेस नहीं थी हो सकता है, या परमेश्वर ने लिखवाना जरूरी नहीं समझा, वो भी बातें जो है परमेश्वर तेरे पीछे लगा देगा। यानी बीमारी के द्वारा तुझको भयानक दंड परमेश्वर देगा, तू परेशान हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन अपने जीवन के ऊपर जब तू एनालाइज करेगा, अपने जीवन को सोचेगा, तो जो तेरे आत्मिक जीवन की दशा है, तेरे आत्मिक जीवन में कैंसर है इसलिए तेरे भौतिक जीवन में तेरे शरीर में वो आ गया, तेरे आत्मिक जीवन के अंदर जो बीमारी लगी हुई है आत्मिक तौर से वही तेरे जीवन के ऊपर आ गई है, मूसा ने इस बात को बताया है। और 62वें वचन के अंदर लिखा हुआ है और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा, जब ये सब बीमारियां लग जाती हैं उसके बावजूद लोग जो है वो रिपेंट करने को तैयार नहीं होते। मुझको 24 साल हो गए परमेश्वर की सेवा करते हुए, मैंने इन एंड आउट अप एंड डाउन हर तरह के मसीहों को देखा है, और लोग जो है जब उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं वो निरंतर परमेश्वर को कोसते रहते हैं, अपने जीवन के ऊपर वो नहीं विचार करते हैं, वो परमेश्वर को ही कोसते हैं। जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर दंड देगा पृथ्वी के लोगों को, तो पृथ्वी के लोग मन नहीं फिराएंगे लेकिन परमेश्वर की ही वो निंदा करेंगे, परमेश्वर को ही वो श्राप देंगे। और वही काम यहाँ पर हमको होता हुआ दिखाई देता है कि जब बीमारियां हो जाती हैं तो लोग परमेश्वर को ही कोसने लगते हैं, वो मन नहीं फिराते हैं। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने की संति तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। एक परिवार है जिसके अंदर 15-20 लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, लेकिन लिखा है बीमारियों की वजह से थोड़े ही मनुष्य अब उस परिवार के अंदर रह जाएंगे। मैंने ऐसे घर, मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो फ्लरिश थे, एक बहुत बड़ा बड़े परिवार थे, लेकिन आज उन परिवारों के अंदर एक या दो जने ही बचे हैं, बाकी सब बीमारियों से मर गए, एक्सीडेंट्स के अंदर मर गए, अलग अलग तरीके से मर गए, या तो परिवार के सारे ही सदस्य मर गए, और अब उन बड़े बड़े आलीशान घरों के अंदर ताले लगे हुए हैं क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं रहता है। आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बावजूद थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। क्यों? तेरे परिवार का हाल भी ऐसा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझको त्याग करके दुष्ट काम करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो ये दंड जो है, बीमारी का दंड जो है, वो तुझ पर और तेरे वंश के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर तक आ जाएगा। यहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये बात बताई थी।
अब आप कहेंगे कि ये बातें तो पुराने नियम में लिखी हुई हैं, हम तो नए नियम के विश्वासी हैं। तो वो बात मैंने पिछले अध्ययन में ही साफ कर दी थी कि हम भी इज़राइल का घराना है, और इज़राइल का घराना हम कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को लेकर के हमको इज़राइल के अंदर ग्राफ्ट कर दिया था। रोमियो 11 अध्याय में वो बात लिखी हुई है, तो मैं बार बार उस बात को रिपीट नहीं करूँगा। तीसरे प्रकार के श्राप के बारे में यहाँ पर मूसा बताता है, वो है जीवन की सब बातों के ऊपर श्राप आ जाता है अगर परमेश्वर के विरुद्ध चलते ही चले गए। आप लेव्य व्यवस्था पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, अगर तुम मेरे विरुद्ध चलोगे तो मैं तुमको 7 गुनी ताड़ना दूंगा, अगर तुम मेरे विरुद्ध फिर भी चलते रहे तो मैं तुमको और 7 गुनी ताड़ना दूंगा, उसके अलावा तुम मेरे विरुद्ध चलते रहे तो मैं और 7 गुनी ताड़ना तुमको दूंगा। तो इस प्रकार से कितने गुनी ताड़ना मैं तुमको दूंगा, वो बात लेव्य व्यवस्था में बताई हुई है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा कि जीवन की हर बात के ऊपर श्राप आ जाएगा। बहुत ध्यान से आप इस बात को सुनें। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 30 और 31 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कहीं शादी की बात लगाई, आपने कहीं रिश्ते की बात लगाई और उस लड़की का रेप हो गया, वो बात यहां पे बाइबल में नहीं लिखी हुई है। लेकिन यहां पर मूसा क्या बता रहा है कि तू किसी स्त्री से शादी की बात लगाएगा, ये हो सकता है कि बात तो तूने लगाई है लेकिन कोई दूसरा पुरुष उसको शादी करके ले जाएगा और वो दूसरे पुरुष के संतानों को उत्पन्न करेगी। दूसरी बात जो मूसा ने यहां पर बताई है कि तूने एक स्त्री से शादी की बात लगाई, तू उस स्त्री को शादी करके अपने घर भी ले आया, वो तेरी पत्नी भी बन गई, लेकिन तेरी पत्नी जो होगी, तेरे ऊपर जो परमेश्वर का श्राप होगा उसका निशान एक ये भी होगा, उसका चिन्ह एक ये भी होगा कि तेरी पत्नी जो होगी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहेंगे। यानी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, यानी कि जो पत्नी होती है उसके बाहर जो किसी दूसरे पुरुष से संबंध होते हैं वो तेरे को देखने को मिल जाएगा। और यही बात पुरुषों के ऊपर भी लागू होती है कि अगर पुरुष जो है वो श्रापित है, अगर कोई स्त्री श्रापित है और उसने किसी अपने पति से शादी करी तो पति जो होगा उसके बाहर किसी स्त्री के साथ संबंध जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर दोनों तरफ जो है वो दंड देता है। तो यहां पर मूसा क्या बता रहा है, यहूदी रब्बी कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो पत्नी के हो, जो कि भयानक बात है एक पति के लिए, वो श्राप के रूप में देखने को मिलेगी। यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अगर किसी की पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है बाहर किसी दूसरे पुरुष के साथ, यहां पे लिखा है तू तो शादी की बात लगाएगा, विवाह कर भी लेगा, लेकिन दूसरा पुरुष भी उसको भ्रष्ट करेगा। यानी कि अगर तेरी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं बाहर, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तेरे ऊपर परमेश्वर का श्राप आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि तू यहोवा की नहीं सुनता है, उसके वचन की नहीं सुनता है, उसके वचन में दी हुई आज्ञा और विधियों को नहीं मानता है, इस कारण तू दुष्ट काम करता है और उस दुष्टता की वजह से ये श्राप तेरे ऊपर आ गया है। आगे लिखा हुआ है घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा, दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नया आलीशान घर लोग बनाते हैं लेकिन उसमें शिफ्ट होने से पहले ही परिवार के लोगों की किसी एक की मृत्यु हो जाती है, या इतना पैसा उस घर को बनाते बनाते लग जाता है कि वो घर जो है वो पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, तो पूरा परिवार वहां पे शिफ्ट ही नहीं हो पाता है। इतना खर्चा और इतना कर्जा घर बनाते बनाते हो गया कि घर बनने के बाद उस घर को बेचना पड़ता है, लेकिन उस घर के अंदर परिवार वाले जाकर के बस नहीं पाते हैं, सेटल नहीं हो पाते हैं, शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा, और यहां पे लिखा है दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। अपनी सुविधा के लिए आपने कुछ भी बनाया, अपनी सुविधा के लिए आपने कुछ भी लिया कि मैं आराम करूंगा, मैं आराम से रहूंगा, तू उसको भोग नहीं पाएगा, तू उससे आनंद नहीं उठा पाएगा। यहां पे लिखा हुआ है तू उसका फल नहीं खाने पाएगा, यानी उसका आनंद जो है वो तू नहीं ले पाएगा, क्योंकि श्राप है।
और 31वें वचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो कईयों के जीवन में आज हो रही है, घटित हो रही है। यहां पे लिखा है, तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा बैल, बैल जो होता है बाइबल के जमाने में, आज भी हम देख सकते हैं बैल जो है वो खेत के अंदर खेती करने के काम आता है। बैल जो है उससे खेत जो है वो उसमें हल चलाया जाता है। बैल के बल से अन्न की बढ़ती होती है, बाइबल में लिखा है। यानी बैल जो है इसका मतलब यह है कि आपके परिवार का वो व्यक्ति जो घर के अंदर कमा करके लाता है, यानी पूरा का पूरा परिवार जिसके ऊपर डिपेंड है फाइनेंशियली, वो बैल है। क्योंकि वो आपके घर के अंदर अन्न लेकर के आ रहा है, अनाज लेकर के आ रहा है। पूरा परिवार जिस व्यक्ति पे, घर के जिस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है फाइनेंशियली, यहाँ पे लिखा है तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा। जब परमेश्वर का श्राप रहता है क्योंकि लोग दुष्ट काम करते हैं परमेश्वर को छोड़ करके, तो ऐसा भी कई परिवारों के अंदर होता है कि पूरा परिवार जिस व्यक्ति के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड था, वो घर के पिताजी हो सकते हैं, घर की माताजी हो सकती हैं, बड़ा बेटा हो सकता है, बड़ी बेटी हो सकती है, जिसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मांस नहीं खाने पाएगा। यानी उसकी जो मेहनत की कमाई है, वो जो कमा करके घर में लेकर के आता था, उसको तू नहीं खा पाएगा। यानी कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाएगी, वो परिवार जो है वो पूरी तरह से फाइनेंशियली क्रश हो जाएगा, क्योंकि घर का बैल जो था उसकी मृत्यु हो गई। अब खेत के अंदर हल कैसे चलाया जाएगा, अब अन्न कैसे उत्पन्न किया जाएगा, परिवार को कैसे पाला जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि तू यहोवा के विरुद्ध चलेगा। आगे लिखा है तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरा गधा, गधा जो होता था बाइबल के जमाने में वो यातायात के साधन के रूप में काम में आता था। जैसे आज हम टू व्हीलर के ऊपर घूमते हैं या हम फोर व्हीलर के ऊपर घूमते हैं, बाइबल के जमाने में लोग गधे के ऊपर इस प्रकार की सवारी किया करते थे, यातायात का साधन वो हुआ करता था। तेरा गधा तेरी आंखों के सामने लूट में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? आपने कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर बैंक से लोन पढ़ लिया, लेकिन अब बैल मर चुका है घर का, अब उस लोन को कैसे चुकाया जाएगा? तो रिकवरी करने वाले आएंगे और उस गाड़ी को छीन करके आपसे ले जाएंगे, लूट में चला जाएगा। या कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, अब वो बैल, घर का बैल जो था, जो मुख्य व्यक्ति था जिसके ऊपर पूरा परिवार फाइनेंशियली डिपेंड था, जब उसकी मृत्यु हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो ये गधा जो है, यानी कि गाड़ी जो है, यातायात का साधन जो है, चाहे फोर व्हीलर टू व्हीलर कुछ भी हो, उसको बेचना पड़ जाएगा और वो फिर वापस नहीं मिलेगा। और यहां पर लिखा है तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। मैंने बीते अध्ययन में भी आपको बताया था कि बाइबल के जमाने में भेड़ बकरियों का मतलब होता था कि धन संपत्ति जो हुआ करती थी उसको बाइबल के जमाने में भेड़ बकरियां कहा जाता था। भेड़ बकरियों से उसकी तुलना की जाती थी। इब्राहिम और लूत के पास इतनी भेड़ बकरियां हो गई, इतनी संपत्ति हो गई कि वो एक साथ नहीं रह पाए थे, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो धन संपत्ति जो है उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि वो शत्रुओं के हाथ में लग जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई गैर कानूनी या अवैध कब्जा कर लेगा, आपकी कोई भी चीज जो होगी उसके ऊपर कोई दूसरा अवैध कब्जा कर लेगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। इस प्रकार से आपकी एक दुकान है, आपने वो किराए के ऊपर दे रखी है, लेकिन उसने उस दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया, अब वो दुकान से निकल नहीं रहा है और आपको किराया भी नहीं मिल रहा है। आपके पास एक और घर था, आपने किसी को वहां पे रेंट पर दिया था, उसने उस घर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सब बातें घटित हो जाएंगी अगर तू यहोवा के खिलाफ चलता ही रहेगा। यहां पर ये बात बताई हुई है। चौथी बात जो मूसा ने बताई है उसको मैं इस समय आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। यहां पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जो मूसा ने लिखा है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 32वें वचन के अंदर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है तेरे बेटे बेटियां दूसरे देशों के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उन
के लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। यहां पर मूसा इस बात को कहता है कि तेरे बेटे बेटियां जो हैं वो दूसरे देशों के लोगों के हाथ में लग जाएंगे, यानी बच्चों के ऊपर अपशनाप आ जाएगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में मूसा ने दो प्रकार के श्रापों के बारे में बताया है जो बच्चों के ऊपर आएंगे अगर तू मेरी विधियों को नहीं मानेगा, मेरी आज्ञाओं को नहीं सुनेगा, मेरे वचन का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा। परमेश्वर यहां पर बताता है तेरे बेटे बेटियां दूसरे देशों के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। ये पहला श्राप, यानी कि दूसरे देशों के हाथ तेरे बेटे बेटियां कैसे लग जाएंगे, दूसरे देश में उनको नौकरी करने जाना पड़ेगा, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में उनको नौकरी करने जाना पड़ेगा, तेरे बच्चे जो हैं वो दूसरों के हाथ लग जाएंगे और उनको उसी शहर के अंदर नौकरी मिल जाएगी, तेरे बच्चे तेरे पास आ नहीं पाएंगे, उनको देखने के लिए, चाव से देखने के लिए तेरी आंखें जो हैं वो तरस जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मसीह माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज देते हैं, वो एक अलग बात है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपके आपके परिवार के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप परमेश्वर के साथ भी बिल्कुल अच्छी तरह से खराई से चल रहे हैं, कोई बीमारी घर में नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है आपके घर के अंदर, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन परिवार की दुर्दशा हो रखी है, परिवार जो है वो तहस नहस हो रखे हैं और मजबूरी के अंदर कमाने के लिए किसी दूसरे देश जाना पड़ रहा है कि छोटी नौकरी ही कर लूंगा लेकिन घर वालों को सपोर्ट तो कम से कम कर सकूंगा, या वहीं पर ही पढ़ूंगा, वहीं पर ही नौकरी करूंगा और घर वालों को भी पैसे भेजूंगा। अगर इस परिस्थिति में आपके बच्चे विदेश जा रहे हैं या दूसरे शहर जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये परमेश्वर का दंड है, परमेश्वर का श्राप है। यहाँ पे लिखा है तेरे बच्चे जो है वो दूसरों के हाथ लग जाएं, उनको चाव से देखने के लिए तेरी आंखें तरस जाएंगी। साल में एक बार आते हैं कई सारे बच्चे, क्रिसमस पर माँ बाप से मिलने आ गए, पूरे साल माँ बाप मर रहे हैं, जिंदा हैं, कुछ भी नहीं पता है उनको, और कई कई बार तो माँ बाप इतने बीमार होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं हमको छुट्टी ही नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं। लिखा है तेरे बच्चे जो हैं वो दूसरे देशों के लोगों के हाथ में लग जाएंगे, वो उनके गुलाम बन जाएंगे, वो आ ही नहीं पाते हैं, माँ बाप मर जाते हैं। कई कई जगहों के ऊपर माता या पिता की जो मौत है वो हो जाती है और कई दिनों के बाद पता चलता है कि अंदर माँ बाप जो है घर में मरे हुए पड़े हैं और बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चे जो है विदेशों से जब तक आते हैं माँ बाप की लाशें तब तक सड़ चुकी होती है। ऐसा होता है ऐसा होता है। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, उस पोस्ट में लिखा था, शायद किसी नॉन क्रिश्चियन ने ही वो पोस्ट लिखा था, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि जो माता पिता होते हैं वो जीवन भर जिन पड़ोसियों के सामने घमंड दिखाते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में रहते हैं, अक्सर उनके जनाजे जो हैं वो पड़ोसियों के कंधों पर ही शमशान या कब्रिस्तान जाते हैं। ऐसा होता है, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के कंधों पर ही कब्रिस्तान जाते हैं क्योंकि बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है, वो या तो दूसरे शहर में है या वो दूसरे देश के अंदर है, उनके पास टाइम ही नहीं, उनको चाव से देखने की जो इच्छा है उसके कारण लिखा है तेरी आंखें रह जाएंगी लेकिन तेरा कुछ बस ना चले, कुछ बस नहीं चल पाएगा। तो ये पहले प्रकार का श्राप जो बच्चों के ऊपर आता है वो यहां पर बताया हुआ है। बच्चे ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से, बाइबल में लिखा है आपके बच्चे यदि आपके पास रहते हैं, आपके बच्चों के बच्चे नाती पोते अगर आपके पास रहते हैं और आपके बच्चों के बच्चे यदि आपके आंगन के अंदर खेल रहे हैं, यानी कि परमेश्वर की सुपर ब्लेसिंग आपके पास है, लेकिन आपके आंगन खाली पड़े हुए हैं, ना तो आपके बच्चे हैं ना बच्चों के बच्चे हैं आपके आंगन के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जकरिया भविष्यवक्ता ने यरूशलेम के विषय में बताया कि परमेश्वर जब यरूशलेम को आशीष देगा तो क्या होगा कि बूढ़े और बूढ़ियां यरूशलेम के चौकों में वापस से दिखाई देंगे
और जो छोटे छोटे खेलने वाले बच्चे हैं वो यरूशलेम की चौकों में खेलेंगे। ये परमेश्वर की ओर से सुपर ब्लेसिंग है जो परमेश्वर यरूशलेम को देगा, और ऐसा आज यरूशलेम में हो रहा। तो वही ब्लेसिंग है, बच्चे अगर आपके घर के सामने खेल रहे हैं यानी परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आपके पोते, आपके बच्चे अगर आपके आंगन में खेल रहे हैं, ये सुपर ब्लेसिंग है। बच्चे आपके पास रहें, ये परमेश्वर की एक आशीष होती है। दूसरी बात यहां पर क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 41वें वचन में ड्यूटरोनॉमी 28:41 के अंदर क्या लिखा है आपके सामने पढ़ रहा। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। अब ये दूसरी बात, दूसरा श्राप जो बच्चों के ऊपर मूसा ने बताया है परमेश्वर के द्वारा, कि तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे लेकिन वो तेरे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो गुलामी में बंधुआई के अंदर चले जाएंगे। कैसे बंधुआई में चले जाएंगे? बंधुआई का मतलब हमेशा स्लेवरी नहीं होता है कि किसी की गुलामी करना, लेकिन यहां पे जब आत्मिक बात की जा रही है, तू जो मेरे खिलाफ चलेगा तो क्या होगा, तेरे बच्चे गुलामी में चले जाएंगे, तेरे बेटे बेटियां उत्पन्न होंगे लेकिन वो गुलामी में चले जाएंगे। कैसे गुलामी में चले जाएंगे? नशे की गुलामी के अंदर चले जाएंगे, शराब की गुलामी में चले जाएंगे। कितने मसीही परिवार हैं जिसमें बेटे जो हैं वो आज शराब की गुलामी में फंसे हुए हैं, वो शराब छोड़ ही नहीं पा रहे। उनके घर में आशीष का कारण परमेश्वर ने दिया, बेटा हुआ बेटी हुई, लेकिन क्या हुआ, बेटा जो है वो उस उनका नहीं रहा, लेकिन वो तो बंधुआई में चला गया, गुलामी में चला गया। तो नशे की गुलामी के अंदर चले जाएंगे, गलत आदतों की गुलामी के अंदर चले जाएंगे, ड्रग्स की गुलामी के अंदर चले जाएंगे, गलत संगति की गुलामी के अंदर चले जाएंगे, व्यभिचार की बंधुआई के अंदर चले जाएंगे। वो व्यभिचार की लत उसको लग गई, आप परेशान है, मैं कैसे छुड़ाऊं इसको यहां से, किसी गलत आदमी या किसी गलत औरत के चक्कर में पड़ जाएंगे। होता है ऐसा कि जवान जवान लड़के या लड़कियां जो होते हैं वो बूढ़े बूढ़े, बहुत बूढ़े बूढ़े जो पुरुष और स्त्री होते हैं उनके प्रेम के अंदर पड़ जाते हैं। अब प्रेम जो है वो एक अलग चीज है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग मुझको गलत ना समझें, लेकिन मैं यहां पर दूसरी बात बता रहा हूं। तो बेरोजगारी की गुलामी के अंदर तेरे बच्चे जो है वो फंस जाएंगे। तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटियां उत्पन्न होंगे, परमेश्वर की ओर से ये ब्लेसिंग तुझको मिलेगी जो दूसरों को नहीं मिलती है। कई सारे लोग बिना संतान के रह जाते हैं, संतान रहित रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तुझको संतान देगा, लेकिन वो संतान तेरी नहीं रहेगी, वो गुलामी में चली जाएगी, अलग अलग प्रकार की गुलामी में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना तो सुनता है, ना उसकी आज्ञाओं को मानता है, तू दुष्ट काम करता है। इस कारण ये सारे श्राप जो हैं तेरे बच्चों के ऊपर आ जाएंगे। यहां पर मूसा ने इस बात को बताया है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि मूसा कुछ बहुत गंभीर बातें हमारे सामने रख रहा है। मूसा कुछ ऐसी बातें हमारे सामने रख रहा है कि जिनको हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन हम उनको नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं, हम उनको टाल देते हैं कि नहीं मैं इस कैटेगरी में नहीं आता हूं। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें, ब्रॉडर व्यू के अंदर हम देखें, तो हमको इन बातों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं। मैं मेरे आज के संदेश को यहीं पर ही रोक रहा हूं। इसका अगला भाग जो है वो हम कल देखेंगे, आगे मूसा ने और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, किस प्रकार से परमेश्वर जब ब्लेस करता है तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देता है, लेकिन जब परमेश्वर का श्राप आता है तो कैसे स्पिरिचुअल कर्स भी लोगों के जीवन के ऊपर आता है, उस बात को हम कल देखने का प्रयास करेंगे, कल उस बात को समझने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन अभी हम इस अध्ययन को यहीं पर ही रोक रहे हैं। मैं इस समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप जो अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, आज का ये संदेश जब आपने सुन लिया है, मैं जानता हूं कि आपके मनों के अंदर एक द्वंद चल रहा है, आपके मन के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार चल रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं इस वचन को सुन करके। और यदि वास्तव में आप परेशान हो गए हैं तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि परमेश्वर अब आपके जीवन के अंदर काम करने जा रहा है। समय आ गया है कि हम अपने पापों को, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लें, कबूल करने की गलती हो गई, और परमेश्वर जब हमारे मन फिराने को देखेगा,
हमारी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल करके रख देगा। ये सारे श्राप जो हैं इनको कैसे तोड़ा जा सकता है उसको हम कल देखेंगे, उसको हम कल समझने का प्रयास करेंगे कि मूसा ने क्या बताया, जब ये सब श्राप आ गए तेरे जीवन पर तब तू क्या करके इन श्रापों से बाहर आ सके, उन सब बातों को हम कल समझने का प्रयास करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों को मैं इस समय आपके सम्मुख लेकर के आता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आप अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करें। ये वचन जो कि दोधारी तलवार है प्रभु, इसके द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों के जीवन में काम करें, इनके कठोर दिलों को आप नरम करें प्रभु जी, इनको मांस का सा दिल दें ताकि ये आपके सामने अपने उन पापों को, उन गलत कामों को मान सकें, उन दुष्ट कामों को मान सकें जिनके द्वारा प्रभु जी ये आपसे दूर हुए और अपने जीवन के ऊपर प्रभु जी आपके श्रापों को आमंत्रित कर लिया। प्रभु जी आपका अनुग्रह आपके लोगों के जीवन के ऊपर हो जाने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु यहां से इन सबके ऊपर आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने घरों में जब ये बैठ करके या जहां जहां पर भी ये बैठ करके इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वहां पर इनके ऊपर आपकी ब्लेसिंग उतर जाने पाए, श्राप के बंधन टूट जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी इनको मन फिराने वाला मन दे प्रभु जी, ये रिपेंट कर सके, इनकी बीमारियां दूर हो सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जहां जहां पर भी ये ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं उस फंदे से ये बाहर निकलने पाए प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाने पाए, आपका वो प्रकाश पवित्र आत्मा का प्रकाश इनके जीवनों के ऊपर चमक जाने पाए। मैं इनको आपके हाथों में सौंप रहा हूं, इनकी घर की परिस्थितियां बदल जाने पाए, इनके बच्चों की परिस्थितियां बदल जाने पाए प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं। एक बहन है जिसके बेटे का नाम है एंथनी, और एंथनी जो है वो शराब की लत के अंदर है, भयानक शराबी वो हो रखा है। उसकी माँ इस समय, उसकी माँ जो है वो स्टाफ नर्स है और इस वचन को सुन रही है, और उसकी माँ, एंथनी की माँ जो है वो इस समय अपने मन में प्रार्थना कर रही है कि प्रभु उसको, उसके बेटे को प्रभु इस शराब की गुलामी से स्वतंत्र कर दे। उसकी माँ उन सारे कामों के लिए पश्चाताप कर रही है जो उसकी माँ ने अपने जीवन में किए हैं, उसके पिता ने अपने जीवन के अंदर किए हैं। और मेरी बहन, तेरी प्रार्थना को, तेरे मन फिराने को, तेरे पश्चाताप को परमेश्वर ने देख लिया है। परमेश्वर का अनुग्रह एंथनी के ऊपर होने जा रहा है और एंथनी का जीवन परमेश्वर पूरी तरह से इस समय बदलने जा रहा है। आगे आने वाले दिन तेरे लिए गवाही के दिन बन जाएंगे क्योंकि तेरा बेटा जो है वो शराब की गुलामी को छोड़ करके उस जीवन को जीना शुरू करेगा जिस जीवन को जीते हुए तू उसे देखना चाहती है। मेरी बहन, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर ने इसी समय प्रदान कर दिया है। प्रभु जी आप अपने लोगों को बंधनों से छुटकारा दें प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप आए इस संसार में ताकि हमको हर प्रकार की गुलामी से स्वतंत्र कर दे प्रभु, बीमारियों की गुलामी से स्वतंत्र कर दे, जिनको पाइल्स है उनके पाइल्स के बंधन टूट जाने पाए यीशु के नाम से, अर्थराइटिस के बंधन टूट जाने पाए यीशु के नाम से, ट्यूबरक्लोसिस के, टीबी के बंधन हर एक के जीवन के ऊपर से टूट जाने पाए यीशु के नाम से, टीबी का श्राप, टीबी का इंफेक्शन यीशु के नाम से खत्म हो जाने पाए, चेस्ट का इंफेक्शन खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से। यदि किसी के प्रभु जी सीने के अंदर, सीने के ऊपर टीबी के डॉट्स हैं, वो यीशु के लहू से धुल करके साफ हो जाने पाए प्रभु जी, कंप्लीट हीलिंग आ जाने पाए प्रभु जी। एक्जिमा हो, बुखार हो, बड़ी जलन हो, कोई सी भी ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपने बताया है, मेंटल डिसऑर्डर हो, ब्लाइंडनेस हो, यीशु के नाम से वो इनके जीवन से, शरीर से खत्म हो जाने पाए। आप अपने लोगों को चंगाई दे प्रभु जी, चंगाई को रिलीज करें, जैसे जैसे ये पश्चाताप करते चले जाने पाए प्रभु, वो चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर के अंदर उतरता चला जाने पाए और 100% इनको चंगाई मिल जाने पाए। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं, वो सारे बंधन इनके जीवन के ऊपर से टूट जाने पाए यीशु के नाम से। आपके लोगों को आप ब्लेस करें,
यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।